राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश, कहा सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हमारे दिलों में है सरदार पटेल। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के दौरे पर रहे पीएम। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, समावेशी भी हो, संवेदनशील हो और सतर्क भी हो। उन्होंने देशहित को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती आज गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं, सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है वो एक सरदार सदियों का अल्क जगाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम, सीएम योगी ने बाइक रैली पर किया फ्लैग ऑफ, 75 बाइकों की रैली का फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किया याद, रन फॉर यूनिटी का किया फ्लैग ऑफ, सीएम ने भी लगाई दौड़। हरियाणा के 14 जिलों में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध, प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार का फैसला, भिवानी फरीदाबाद चरखी दादरी में पटाखों पर प्रतिबंध। हरियाणा में एचएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आज, करनाल में 3 दिन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगी परीक्षा, 2 शिफ्ट में करवाई जाएगी परीक्षा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का दिल्ली दौरा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार जारी, आसमान छू रहे तेल और सब्जियों के दाम, एक बार फिर से तेल के दामों में इजाफा, पेट्रोल डीजल के दामों में 35-35 पैसे की बढ़ोतरी। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार जारी, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के भाव। उत्तराखंड के देहरादून में भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग घायल, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा यूटिलिटी वाहन, राहत बचाव कार्य जारी। महिला बैंक कर्मचारी की आत्महत्या का मामला, मामले में दर्ज किया गया मुकदमा, यूपी के आईपीएस ऑफिसर पर दर्ज की गई एफआईआर। पानीपत में गला घोंटकर 19 साल के लड़के की हत्या, परिजनों ने सगी मौसी पर लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। काशीपुर में जुआरियों के खिलाफ एसओजी की बड़ी कार्रवाई, काशीपुर एसओजी टीम की दबिश में पकड़े गए जुआरी, 2,44,000 रुपए बरामद। 2 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन, पुलिस लाइन में किया गया आयोजन, मुख्य अतिथि श्रीमती गुरमीत कौर ने किया शुभारंभ, मेले में लगाए गए 50 से ज्यादा स्टॉल। उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस ने किया मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन, स्थानीय विधायक समेत बिहार विधायक रहे मौजूद, बूथ कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ मजबूत करने की दी गई ट्रेनिंग। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 शातिर बदमाश हुए घायल, सिगारा थाना में लूट को अंजाम देकर भागे थे बदमाश। यूपी में कुख्यात डकैत गौरी यादव पर रखा इनाम, यूपी सरकार ने 5.5 लाख रुपए का रखा इनाम, यूपी सरकार ने की इनाम की घोषणा, मध्य प्रदेश सरकार ने भी गौरी यादव पर रखा 50,000 का इनाम। कन्नौज में दबंगों ने गोली मारकर की अधेड़ की हत्या, खेत पर कब्जा करने की कोशिश में मारी गोली, मृतक की बहू पर भी दबंगों ने किया फायर। अन्नदाता पर भारी पड़ी सिंचाई विभाग की लापरवाही, धनाना गांव में 3 दिन में दूसरी बार टूटा माइनर, 80-90 एकड़ में धान की पकी पकाई फसल हुई खराब, खेतों में जमा हुआ 3-4 फुट गहरा पानी। कोरोना टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए केंद्र ने कसी कमर, जल्द ही शुरू होगा हर घर दस्तक अभियान। देश और दुनिया में कोरोना के मामले में गिरावट, भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए केस, राजधानी दिल्ली से सामने आए कुल 37 मामले। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना के केस, देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,830 नए केस, एक दिन में कोरोना से हुई 440 मरीजों की मौत। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी, रूस ने बढ़ाई सख्ती, देश भर में पेड हॉलीडे घोषित।